इनकी हालत उस तरीके से है। आज बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के नाम से चिल्ला रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था, ये आम आदमी पार्टी, ये केजरीवाल जिस नुसरत जहाँ के वो जो अभी गुजरात में वो केस हुई है, वो टाइम पे एक शब्द नहीं बोला है। आज जाके वहाँ पे कैंपेन चल रहा है गुजरात में, आम आदमी पार्टी को भी मत दो और बीजेपी को मत दो वोट गुजरात वालों, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत धोखा है, ये केजरीवाल ने बहुत बड़ा धोखा है। देखा पंजाब में क्या किया उसने, पानी को कंट्रोल करना चालू कर दिया। नेक्स्ट गेम पानी कंट्रोल है, जो मेरे साथ जुड़े होंगे पुराने वाले। हाँ, बात चल रही थी उस पोलियो की, तो पोलियो का तब मैंने जो इन्फेक्टेड वायरस आने वाले थे, हमें पता चला कि भारत में इन्फेक्टेड पोलियो वैक्सीन आ रही है, और फिर उसको रोकने के लिए मैंने लेटर दिए। मेरे औरंगाबाद में 3 मौतें हो चुकी थी तब तक, मैंने लेटर देने तक तब तक 3 मौतें हो पोलियो के उस इन्फेक्टेड वैक्सीन से। और उन वायरस को हमने टेस्टिंग को भेजा गया भोपाल में, तो पता चला उसमें टाइप 2 वायरस है। अब ये चीज़ को मैं यहाँ के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ, आप समझो, आपको लगता है कि डॉक्टर झगड़ा अभी अभी आए, मैं कहाँ के लेवल तक झगड़ा हूँ इस चीज़ के लिए। यहाँ का डायरेक्टर ऑफ हेल्थ जो है औरंगाबाद का, मैं उससे बात करने गया, मैंने उससे झगड़ा किया, बोला सर मेरे को बताओ वैक्सीन के इंग्रेडिएंट क्या है। पोलियो, ठीक है आप जान दो, आप मुझे पोलियो के वैक्सीन के इंग्रेडिएंट बोल दो। बोला वो, बोला मुझे पता नहीं। बोला सर आप इस मराठवाड़ा रीजन के हेल्थ डायरेक्टर है, आपके अंदर 4 ये जो है 8 जिले तुम्हारे अंदर आते हैं, आपके गाइडलाइन पे 8 कलेक्टर्स यहाँ के बच्चों को टीकाकरण करने वाले हैं, और आपको इंग्रेडिएंट पता नहीं है। बोला चलो मैं बोल देता हूँ। बोला सर ये जो है ना, ये अफ्रीकन मंकी की डिजीज से लिया गया एडिनो पोलियो वायरस रहता है। बोला अच्छा, तो फिर ये जो है इसमें से पहले से ये इन्फेक्टेड है, क्योंकि इसके साथ टाइप 2 वायरस अटैच होके आया है। नहीं, ऐसे नहीं रहता है, ये वॉश आउट करने के बाद में वो रहता ही है, और उसी वो जो वायरस रहेगा तभी तो उसकी एंटीबॉडीज बढ़ेगी। बोला सर वायरस अलग चीज़ है, और ये जो आप दे रहे हैं ये नया वायरस है, ये नया म्यूटेशन है। उन्होंने नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये सरकार की पॉलिसी है। बोला सरकार नहीं, तू बच्चों को यहाँ कुछ होने वाला, तेरे क्लिनिक का नक्शा बदल दो रे, ऑफिस का नक्शा बदल दूंगा मैं। तब मन से मैं था, साहब ने सपोर्ट दिया था, और मन से वाले की हमारी पॉलिसी थी, नहीं माना तो फोड़ो उसको। वो वार्निंग समझ में आई, उसने तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेटर भेजे, और वहां पे टीकाकरण रोकने में आया। इन्फेक्टेड 80 लाख वायरस जो थे तब भारत के वापस भेजे गए, वरना आज जो आपको सूडान कंट्री में जो भी पोलियो के केसेस मिल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओरल पोलियो वैक्सीनेशन से है। ये मेरा नहीं है, ये डाटा यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियली वेबसाइट पे मेंशन है, जाके देख सकते हैं आप। और कोई हरामखोर आके मेरे को ये मत पूछो कि मेरे को दिखा कहाँ लिखा है, मैंने बोला है कहाँ मिलेगा, जाके वहाँ पे देखो, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं बैठे यहाँ पे डाटा लेके हाथ में खड़े रहने, बोला है जाके देखो, घूंगटे लगा सकते हैं, उनकी गलत नीतियों को सवाल उठा सकते हैं। तो सोचो हमारा एटीट्यूड किस लेवल का है। फिर आया MR रूबेला वैक्सीनेशन, विश्व में है भारत इरेडिकेट हो चुका है पोलियो से 2014 में। मैंने तब भी कहा था कि हम पाकिस्तान से आया हुआ नदी का पानी पीते हैं क्या, मेरे ख्याल से तो ये नहीं है कि पाकिस्तान से नदी बहते हुए भारत में आ रही है। हाँ, भारत की नदी बहते हुए पाकिस्तान में जा रही है।
हम क्या पाकिस्तान का पानी नहीं पीते हैं जो कि पाकिस्तान में पोलियो पेशेंट है और वहां से उसको हम बिना उबाले पीने वाले हैं। आदमी सजेशन किसका सुनता है जो उस लेवल का हो। अगर तुम मेरे लेवल के हो, क्या क्या है जिंदगी मेरे को बताओ, मैं सुनूंगा तुम्हारे सजेशन। भोकड़ में नहर पहले आते हो, भगा भगा यार बोल रहे थे। मैं किसी को भी किसी के बिजनेस में कुछ नहीं बता सकता हूँ, पहले बोल देता हूँ। तुम बर्बाद होने वाले हो, तुम्हारी जिंदगी लूटने वाली है, मैं इतना बोल सकता हूँ। उसको बचाना कैसे क्या वो तुम तुम्हारा देख लो, मैं उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता, किसी भी हद तक नहीं कर सकता। अरे तुम लोगों ने सोने की दुकान दे दी, तेरे को सलाह दूंगा, तेरे करोड़ों रुपए का धंधा होगा। कितना सपोर्ट किया है तूने मेरे को बता वाला फाइनेंशियली, मेरे को बहुत ही बुरा गुस्सा आता है कि सालों तुम्हारे करोड़ों का बिजनेस कर दिया, हम तो कुछ ये सजेशन दिए और तुमने क्या दिया हमको, कितना दिया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। गिने चुने कुछ है 10-15 दोस्त यहाँ पे, उन्हीं के कुछ ना कुछ सपोर्ट आते रहता है महीने का, बाकी ये सारे के सारे हराम खोर बैठे हुए सिर्फ पोकड़ में नॉलेज लेके अपने धंधे पानी चमकाने के लिए। तो कोई फर्क नहीं गिरता, सुनो ना सुनो, बुरा लग गया भाई इसने मेरे को ऐसा बोला, अरे भाग, तुमको जानता नहीं मैं 135 करोड़ में किस किस को जानता, मैं किसको नहीं जानता। मैं 100 करोड़ मरने वाले क्या पड़ी मेरे को, जो बचेंगे वो आएंगे उनको लेके जाएंगे जहाँ जाना है, तब तक तो जाने के पहले तब तक तो उनको उनकी जिंदगी के हथगड़े उनको ढकेलनी है ना। चलो आज देखते हैं, मैं आज फिर बोलता हूँ। मेरा अकाउंट नंबर है 3039391171, आईएफएससी कोड है SBIN00107911, फोन पे और गूगल पे नंबर है 9096289202। देखते सोने वाले, तूने बोला ना सोने की दुकान, देखते कितने मदद करता है। तुम्हारे इंटेंशन क्लियर नहीं है, तुमको तुम्हारी पड़ी पड़ी है और तुमको लगता है डॉक्टर छिड़दाई भगवान बन जाए, सेवियर बन जाओ, तुम साले रावण बन के बैठे हुए हो और हमको बोल रहे हो तुम भगवान राम बन जा। ये कलयुग है भाई साहब, ये कलयुग है। जो खेल तुम खेल रहे हो, खेल के हम मास्टर हैं, हेडमास्टर हैं। जब मोदी और बिल गेट्स को हम लेसन सिखा रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, रॉकफेलर रॉकचाइल्ड को टीचिंग दे रहे हैं, तुम तो उसके आसपास भी नहीं होगे। तो उस पट्टे में मत जाओ, हमें सारे सिखाने के पट्टे में मत जाओ। हमारा नॉलेज तुमको नहीं पता कहाँ तक का है, किस डीप लेवल का है, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश मत करना।